जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं। मैं आपको परेशानी से दूर होने के उपाय जरूर बताऊंगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको जानना है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म का समय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी मदद जरूर की जाएगी। आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए। आपको शाम तक ही जानकारी दे पाऊंगी, क्योंकि एक साथ दर्जनों कमेंट्स आते हैं और सबको एक साथ रिप्लाई देना मुमकिन नहीं होता। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि पर्याप्त समय में आपकी कुंडली अच्छे से देखी जाए ताकि आपको सही जानकारी दे पाए। आपको होने वाली असुविधा के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज मैं आपको जी नाम के लड़के और लड़कियों की कब और किससे शादी होगी, किससे शादी करनी चाहिए और जल्दी शादी करने के उपाय बताऊंगी। जी नाम के लड़के और लड़कियों की शादी 22, 25 अथवा 29वें साल में होती है। जी नाम के लड़के और लड़कियों की शादी डी, एच, आर तथा यू नाम से शादी होने की संभावना अधिक रहती है। जी नाम के लड़के और लड़कियों को मेष राशि से शादी करना शुभ होता है। इससे संबंध बेहतर होता है क्योंकि यह लोग साहसी, बंधन मुक्त और घूमना पसंद करते हैं। जी नाम के लड़के और लड़कियों को जल में रूली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे।